हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वादिष्ट सब्जी। ये सब्जी को खा के आप मटन चिकन खाना भूल जाएंगे। इतना स्वादिष्ट है ये सब्जी कि आप भी सोच रहे होंगे कि किस चीज का सब्जी है। तो ये एक पहाड़ी फूड है, यानी कि पहाड़ी सब्जी है, और बिना खाद बिना केमिकल के उपजता है, यानी कि ये भगवान का देन है। और अपने आप ये उगता है पहाड़ पे, और इसे आदिवासी लोग लाके बेचते हैं मार्केट में। तो ये हमारे भाई राखी पे आए थे, तो मैं उन्हीं लोगों से मंगाई थी ये सब्जी। हमें बहुत पसंद है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड जा रहे हैं उड़ीसा, तो इस सब्जी को मिलने पे आप अवश्य बनाएं। इतना टेस्टी है ये सब्जी कि मैं इसका स्वाद आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। तो ये सब्जी बिल्कुल आपको मटन के जैसे लगेगा, इतना स्वादिष्ट कि आइए हम झटपट बनाते हैं, और कैसे बनेगा वो बताते हैं तरीका। रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। तो देखिए, इस सब्जी के नाम है, उड़ीसा में इसे बोला जाता है खुखड़ी। खुखड़ी के नाम से प्रसिद्ध है ये। छत्तू, जैसे छत्तू होता है, छत्तू टाइप का ही होता है। तो ये हम पानी में इसे भिगो के रख दिए हैं, और देख सकते हैं ये लंबा लंबा दिख रहा है। और ये जो है, कैसे बनेगा मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो ये पहाड़ पे अपने आप उगता है, और इसे आदिवासी लोग लेके आते हैं, और ये बहुत ही महंगा मिलता है। ये हमें मिला है 600 रुपया केजी, तो हम आधा केजी लिए हैं 300 रुपए का। तो देखिए, इस तरीके से हमें धो लेना है। इसमें बहुत सारा मिट्टी होता है, लाल मिट्टी जो कि पहाड़ के ऊपर होता है, वही वाला मिट्टी होता है। देख सकते हैं, मिट्टी को हमें साफ कर लेना है। इस तरीके से साफ करना है। देखिए, एक एक करके आप सारा मिट्टी को हटा लें। और ये सब्जी दोस्तों मैं बता नहीं सकती, इतना टेस्टी, इतना जबरदस्त बनता है कि आपको टेस्ट में मटन जैसा लगेगा, लगेगा कि मैं मटन खा रहा हूँ। तो इस एक बार तो बनता ही है इसे बनाना। तो हम तो अभी दिल्ली में थे, लेकिन हमारे भाई लोग राखी पे आए थे, तो ये सब्जी लेके आए थे हमारे लिए स्पेशल। तो देखिए, आज हम बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसका नाम मैं दोबारा से बताना चाहूंगी, इसका नाम है खुखड़ी। खुखड़ी नाम से प्रसिद्ध है ये, और आपको ये मिलेगा उड़ीसा उत्तराखंड पहाड़ वाला जगह पे ही मिलेगा, नॉर्मल जगह पे आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, हम सभी को धो लिए, 3-4 बार डूबते हुए पानी में। अब छोटे छोटे पीस में इसे हम काट लेंगे। बीच से इस तरह से हम कट करेंगे। देखिए, बीच से इसका हम कट करके उसके बाद ही बनाएंगे सब्जी। तो सारे पीस को हमें इसी तरीके से काट लेना है। जो ऊपर का एक थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, उसे हम निकाल देंगे। जितना भी नरम पार्ट होता है, सभी को हम बनाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ काट के, देखिए इतना छोटा छोटा हम पीस बना लेंगे। इन सभी पीसों को हम काट के रेडी कर लिए हैं। पानी हम ले लिए हैं बॉईल करने के लिए। तो देखिए, एक पतीला में हम पानी गरम कर लिए हैं। जैसे ही पानी में से अच्छा खासा उबाल आने लगेगा, तो हम ये सारे खुखड़ी को डाल देंगे पानी के अंदर। और जैसे ही खुखड़ी में से उबाल आना स्टार्ट होगा, हम एक बार चला देंगे। तो देखिए, इसे डूबते हुए पानी में उबालना है। थोड़ा सा पानी में और डाल लेती हूँ। मैं पानी और डाल ली हूँ यहाँ पे। अब इसे हमें अच्छा से उबालना है 10 मिनट तक, और जितना अच्छा उबालिएगा उतना ही अच्छा ये बनेगा। तो देखिए, हम ढक्कन से ढक दे रहे हैं, ढक के उबाल ले रहे हैं 10 मिनट। तो देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें से उबाल आ रहा था, और ये अब उबल के रेडी है। यानी कि ये मटन के जैसे हार्ड होता है, मटन जैसा हार्ड होता है, उसी तरीके से सेम होता है। तो देखिए, ये उबलने के बाद छोटा छोटा सिकुड़ के हो गया है। अब इसे हम निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं। उसके बाद हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं कि किस तरह से बनेगा ये मटन करी वाला स्वाद का सब्जी। एक हम कढ़ाई ले लिए हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल के हम इसे अच्छा से भून के निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पे इसे हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। तेल डालने के बाद इसे भूनना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है भूनने से। तो आप इसे जरूर भूनें। और अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं या उड़ीसा जा रहे हैं, तो इस सब्जी को एक बार जरूर खाएं। एक बार खाएंगे, जब भी जाके आपको पता लगेगा कि इसका टेस्ट कैसा है।
तो देखिए हम 4 से 5 मिनट तक ढक्कन से ढक के भून लिए हैं। और यहाँ पे जो हमारा खुखड़ी है भून के रेडी हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल के एक रख लेते हैं और आपको नजर आ रहा होगा कितना अच्छा भून चुका है। देखिए एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में हम तेल बचाई है अभी, उसी में हम थोड़ा सा और तेल डाल लेते हैं। तेल डालने के बाद थोड़ा सा जीरा, एक तेज पत्ता देंगे। तेज पत्ता डाल के हम 1 से 2 तेज पत्ता डालेंगे, अच्छा से भून लेंगे। जैसे ही हमारा तड़का जो है भून जाएगा, हम इसमें डालेंगे ये प्याज। 2 प्याज को हम रफली काटे हैं। प्याज को हम डाल के अच्छा से ब्राउन कर लेंगे, जैसे कि हम मटन के लिए ब्राउन करते हैं। तो देखिए अच्छा से हम इसे प्याज को भूनते हैं। उसके पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे तो जल्दी भून जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाल लिए हैं कि जल्दी हमारा प्याज जो है ब्राउन हो जाए। चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। 3 से 4 मिनट में जो हमारा प्याज है भून जाएगा। लीजिए हमारा प्याज जल्दी भुने, इसके लिए इसे हम ढक दिए हैं। ढक्कन खोल के देखेंगे तो हमारा जो प्याज है अच्छा खासा ब्राउन हो रहा। तो हम यहीं पे हरा वाला प्याज डालेंगे, थोड़ा सा काट लिए हैं। प्याज डाल के हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। चलाते हुए भूने। अगर आपके पास हरा वाला प्याज नहीं है तो भी ये सब्जी जो है बन जाएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। यहीं पे 1 चम्मच हम बड़ा वाला चम्मच से डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद में हमें 1-2 मिनट भून लेना है कच्चापन खत्म करने के लिए। तो चलाते हुए इसे भून लें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हरा वाला प्याज डलता है दोस्तों तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने से, इसलिए हम डाले हैं। ढक्कन से ढक दिए हैं कि जल्दी भून जाए अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा भून चुका है। अदरक लहसुन का पेस्ट है और प्याज है हमारा। तो ये मसाला डाल लेंगे। 1 चम्मच मिर्च पाउडर जो तीखा होता है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ये देगी मिर्च है, इसे तीखा नहीं लगेगा, सिर्फ कलर आएगा सब्जी में। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और टमाटर डाल लेंगे। टमाटर डाल के हम 2 टमाटर को हम रफली काटे हैं, अच्छा से मिक्स कर देंगे। तो चलाते हुए मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे कि जो हमारा मसाला सूखा सूखा लग रहा तो गीला बना रहे और बहुत अच्छा हमारा टमाटर गल जाए और सभी मसाला आपस में घुल जाए। देखिए इस तरीके से हम चला दिए हैं इसे। ढक्कन से ढक देंगे कि जल्दी हमारा मसाला सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही हमारा मसाला सॉफ्ट हो जाएगा, जो हम खुखड़ी को भून के रखे हैं सभी खुखड़ी को डाल लेंगे। जो हमारा पहाड़ी सब्जी है उसे डाल के अच्छा से मिक्स कर लेंगे और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रखेंगे कि पहले भी हम नमक डाले थे थोड़ा सा उबालते टाइम। अच्छा से चारों तरफ मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट हम भून लेंगे और 1 चम्मच लास्ट में गरम मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छा से हम मिक्स कर लिए हैं। तो यहीं पे आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए ढक दी थी कि अच्छा से गरम मसाला का खुशबू बरकरार रहे और पानी डाल लेंगे। तो मैं थोड़ा तरी वाला ही पसंद करती हूँ, यानी कि करी वाला, ये खुखड़ी की सब्जी। तो इसमें थोड़ा पानी डाल ली हूँ। पानी डालने के बाद दोस्तों अब इसे हमें बिल्कुल ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना है। 4 से 5 मिनट पकाइए और लीजिए आपका जो सब्जी है
बिना मटन का मटन करी रेडी है। तो इसे बनाने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है दोस्तों, लेकिन जो टेस्ट आता है ना लाजवाब आता है। मैं बता नहीं सकती कितना बेहतरीन टेस्ट आता है। तो आप इसे जरूर एक बार बनाएं। तो लीजिए देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है। ढक्कन से ढक देते हैं हम कि 4 मिनट तक पक जाए। और 4 मिनट के बाद ये हमारा जो सब्जी है बनके तैयार है दोस्तों। और इसे मैं सर्व कर लूंगी प्लेट में और अपने फैमिली के साथ मजे के साथ खाऊंगी। और आपको हमारा अगर बनाया गया रेसिपी पसंद आता है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। और हमारा बनाया गया अन्य रेसिपी को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथ में बेल आइकन आता है दोस्तों उसे जरूर क्लिक करें। उससे ये होगा कि आपको हमारा जितना भी रेसिपी है सबसे पहले आपके मोबाइल में मिलेगा। तो हम फिर से मिलेंगे, वादा करते हैं आपसे एक नया रेसिपी के साथ। जब तक के लिए खाते रहें, मुस्कुराते रहें, रोजाना खाना हिंदी और रोजाना खाना भोजपुरी से जुड़े रहें। और इस वीडियो को लिखित रूप में पढ़ने के लिए rozanakhana.com पे विजिट करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।